तो आप फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी संचालक है, यानी कि आप फिनो पेमेंट बैंक का मित्रा आईडी लिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू आधार सेंटर कैसे मिले। जैसे कि आप आधार ऑफिस वेस्ट रीजन पे आप यहाँ पे ट्यूट दे सकते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू आधार कार्ड सेंटर दिया गया है, इसका यहाँ पे पिक अपलोड किया गया है और यह कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। और फिर आप फिनो पेमेंट बैंक के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे भी आते हैं तो यहाँ पे यह कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से मतलब कि जो हमारा टीट होता है वह देखकर आप सोच रहे होंगे कि हमें फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू आधार सेंटर कैसे मिलेगा। तो 4-5 मिनट का ये वीडियो है, आप जरूर देखिए। आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे कि आपको फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू आधार सेंटर कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कब तक मिलेगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा इधर उधर नहीं घुमाते हुए डायरेक्ट चलते अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू आधार सेंटर कैसे मिलेगा। इससे पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल BBFT Info पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए CSE बैंकिंग यानी कि फिनो बैंकिंग और बहुत भी बैंकिंग और आधार सेवा केंद्र से रिलेटेड वीडियो हमेशा लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। और एक हम यूट्यूब चैनल मतलब कि और क्रिएट करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को सोशल मीडिया की जानकारी देंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगा। तो यूट्यूब पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अब चलिए हम डायरेक्ट फिनो पेमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि फिनो पेमेंट बैंक एक डिजिटल बैंक है और डिजिटल बैंक होने के साथ साथ यह भी मुद्दा उठता है कि कोई भी ऐसा डिजिटल बैंक है जिसके थ्रू आप आधार सेंटर नहीं ले सकते, फिर भी आप यहाँ पे ट्यूब देख पा रहे होंगे कि फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू आधार सेंटर प्रोवाइड किया गया है और आप मतलब कि कैंप भी ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दे कि आप फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर है, CSE संचालक है, तो आप यहाँ पे फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू आधार सेंटर नहीं ले सकते। जो हमारे फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रिक्ट हेड होता है, मान के चलिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेन ब्रांच होता है, उस मेन ब्रांच में मतलब कि आप वर्क करते हैं तो ही आप फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू आधार सेंटर ले सकते हैं। आधार सेंटर आप आसानी से खोल सकते हैं और अपने कस्टमर को आधार का सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही हमारा फिनो पेमेंट बैंक के कुछ अपडेट था कि आप मेन ब्रांच डिस्ट्रिक्ट हेड ब्रांच अगर वर्क करते हैं तो आप आधार सेंटर ले सकते हैं। CSP संचालक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अभी आधार सेंटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं किया गया है। जैसे ही इसका कोई अपडेट आता है तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल BBFT Info पे अपडेटेड करते रहते हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि आप फिनो पेमेंट बैंक के CSP डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से आधार सेंटर नहीं ले सकते हैं। हेड ब्रांच यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेड ब्रांच में आप वर्क करते हैं तो आप आधार सेंटर ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कहीं ना कहीं सबके सोच में यही रहा होगा कि हम फिनो पेमेंट बैंक के आधार सेंटर ले, तो आपको क्लियर कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।